Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata प्रणाम। तो ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदांतिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देख रहे हैं अब दूसरा स्कंद अध्याय पहला श्लोक क्रमांक दूसरा। तो जैसे सब लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने पहला स्कंद समाप्त किया है, तो सभी भक्तों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से गोपी मनोहर प्रभु सर्वदेव गिरिधारी प्रभु ने जो प्रण लिया था, ये जो सेवा ली थी, वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आप सभी भक्तों के क्या कहते हैं सहयोग से, तो हर एक भक्त जो डेली जुड़ रहा है इस भागवतम नित्य भागवतम सेवा में, और जैसे प्रेम सका गौर प्रभु सर्वरूप माता जी इतनी अच्छा कीर्तन करते रोज बिना चुके, तो ये सब आप लोगों के जो प्रयास है प्रामाणिक प्रयास, इसके वजह से भगवान भी खुश है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो धन्यवाद सभी को। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज का श्लोक क्रमांक दो। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम् गृहेषु गृहमेदिनाम। ये बहुत ही मतलब सुंदर श्लोका है और बहुत ही आज के हम इस कलयुग में इसका बहुत ही क्या कहते हैं महत्व है, क्योंकि ये कलयुग में आजकल कैसे हम अपना जीवन बिता रहे हैं इसका इसको दर्शाता है। तो इसका ट्रांसलेशन और अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तो दोज पर्सन हु आर मटेरियली एंग्रॉस्ड बीइंग ब्लाइंड टू द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ हैव मेनी सब्जेक्ट मैटर्स फॉर हियरिंग इन ह्यूमन सोसाइटी ओ एम्परर। तो क्या कहा गया है कि सारे जीव जो भौतिक जीवन में पूरी तरह से लिप्त है और आत्म तत्व मतलब अपश्यता मतलब पूरी तरह से अंधे है अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर, और जो अल्टीमेट ट्रुथ जो परम सत्य है उसके बारे में जिनको ज्ञात नहीं है और उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे विषय वस्तु है जिसके ऊपर वो लोग चर्चा करते हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र निणाम संति सहस्रशय, बहुत सारे ऐसे विषय है जिसके ऊपर ये चर्चा करते हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। तो प्रभुपाद हमेशा इसके ऊपर बात करते थे, गृहेषु गृहस्थ और गृहमेदि। तो अभी जैसे पता है कि अभी फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप आई थिंक चल रहा है, तो आप जहाँ पे मैं रहता हूँ गोवा में, ये बहुत ही एकदम लोगों का मनप्रिय
खेल है, तो यहाँ पे आपको हर दिन अभी इसी के ऊपर चर्चा होती रहती है। उसी तरह से वर्ल्ड कप, पॉलिटिक्स, मतलब लोगों के पास इतने सारे विषय वस्तु है बात करने के लिए, और वो जब बात करते हैं इतनी तरह से उसमें मग्न हो जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। तो मतलब ये मतलब सुखदेव गोस्वामी ने 5000 साल पहले ही इसका क्या कहते पुष्टि की थी। तो हम देख सकते कि जो श्रीमद् भागवतम, ये जो हमारे शास्त्र है, ये कुछ कितना साइंटिफिक और कितना मतलब क्या बोलते हैं प्रामाणिक और इतना जेन्युइन है। तो जो जो कहा गया है इसमें, इसका हम लोग एक्चुअली अभी देख सकते हैं किस तरह से वो सत्य होते जा रहा है। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कहा था कि कलयुग में लोग किस तरह से मतलब जो आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देते, वो लोग किस चीज को महत्व देते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो क्या बताते हैं, अपश्यतम आत्म तत्वम, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या कहते हैं अंधा यथा अंदर, एक अंधा जो आदमी है दूसरे अंधे को किस तरह से क्या कहते हैं एक खड्डे में जैसे लेके जा सकता है उस तरह से, क्योंकि हाँ वी आर ब्लाइंड, मतलब अपना जो विजन है स्पिरिचुअली वी आर ब्लाइंड, इसके वजह से हम लोग मटेरियली पूरी तरह से मग्न है भौतिक विषयों में। और ये हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि भगवान अपनी कृपा से अपने जो पार्षद है उनको भेजते हैं, और चैतन्य महाप्रभु खुद आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद आए और फिर उन्होंने उनकी कृपा से इतना पूरा आचार्य का एक ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय जो एक पूरा परंपरा है, वो उस परंपरा के द्वारा हमको प्रभुपाद मिले, और प्रभुपाद ने पूरी करुणा के साथ पाश्चात्य देश जाके हम जैसे जो अंधे स्पिरिचुअली ब्लाइंड जो हम जीव है उनको ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अज्ञान में जो हम लोग जी रहे थे उनको क्या किया उन्होंने प्रदान क्या किया, चक्षुर उन्मिलितम येन, हमारे जो नेत्र है उसको आध्यात्मिक एक उन्होंने एक आध्यात्मिक ये दिया, विजन दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे आचार्य गण हमारे गुरु को हमको हमेशा क्या कहना है नमन करना है, दंडवत करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस कलयुग में पीपल आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, और ये हम लोगों को इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह से हम अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली हम सब लोग जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, वी आर ऑल स्पिरिट सोल, हम सब जीवात्मा है जो इस भौतिक जगत में आए हैं। सो अपना जो एक्चुअल रियलिटी वी आर स्पिरिट सोल, लेकिन क्योंकि हम ये भूल चुके हैं हम पूरी तरह से शारीरिक स्तर पे काम कर रहे हैं, तो वापस उस रियलिटी वो रियल स्टेट में आने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे कल माताजी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था कि जो पानी, पानी का एक्चुअल स्वभाव उसको बहना है, लेकिन जब वो आइस हो जाता है देन इट इज क्या बोलते हैं मतलब अपना एक्चुअल स्टेट को भूल के वो जब आइस बनता है तो फिर उसका वो हानिकारक। तो उसी तरह से हम स्पिरिचुअल सोल है, लेकिन क्योंकि अब हम भौतिक जगत में आके भौतिक स्तर पे अपने शरीर को सब कुछ मान रहे, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक स्थिति है, क्योंकि हम लोग अपने आप को अगर शरीर मान के उसी स्तर पे काम करेंगे तो अपना जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है वो हम और बढ़ाते जाएंगे। इसकी वजह से प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य अगर हम पढ़ेंगे तो हमको अगर वापस अपना जो एक्चुअल स्टेट में आना है, दैट इज वी आर स्पिरिट सोल एंड वी वांट टू एक्ट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्तर पे अगर हमको वापस कार्य करना है तो प्रभुपाद कहते हैं कि श्रवणम और कीर्तनम, जो अभी श्रोतव्यादिनी राजेंद्र जो भौतिक हजारों हजारों जो हम लोग चर्चाएं करते हैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स,
स्पोर्ट्स और सबसे ज्यादा जो हमको आनंद देता है वो है प्रजल्प गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मतलब और लोगों के चुगली करना या फिर और लोगों के जो जीवन के बारे में बात करना। तो हम सब लोग प्रजल्प में बहुत हमको आनंद मिलता है बिकॉज ऑफ अगेन ये अज्ञानता के कारण। तो अगर हमको वापस, तो प्रभुपाद कहते हैं कि श्रवणम और कीर्तनम, तो किस चीज का श्रवण करना चाहिए? भगवान की दिव्य कथाओं का। और कीर्तनम किसका करना चाहिए? वही जो हम लोग सुनते हैं उसी चीज का हमको कीर्तन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको इस कलयुग में दिया है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का हमको जाप करना है, कीर्तन करना है और भगवान के दिव्य गुणों का क्या कहते हैं लीलाओं का वर्णन करना है और उसके ऊपर मनन करना है। और प्रभुपाद कहते हैं, मैं प्रभुपाद का ही लेक्चर सुन रहा था इसी श्लोक के ऊपर, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं पाश्चात्य देश गया तो मैंने किसी को फिलोसफी नहीं सुनाई। जैसे हम जानते हैं टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद क्या करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब कीर्तन करता था, जो जो वहां पे आके इस कीर्तन का श्रवण करने लगे तो श्रवण कर करके वो भक्त बने। स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने कोई लेक्चर नहीं दिए, केवल इस कीर्तन। तो जब ये कीर्तन होता था तो जो जीवात्मा वहां पे जो भी आते थे वहां पे, तो सुन सुन के कुछ लोग प्रभुपाद से जुड़े। तो प्रभुपाद कहते हैं कि द फर्स्ट मतलब जो प्रोसेस है दैट इज श्रवण करना है हमको हरे कृष्ण महामंत्र का और वही जाप करना है। तो ये जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे थे कि श्रवणम और कीर्तनम, इससे क्या होगा, हमारी शुद्धिकरण होगी। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्यो कबीर नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। सो ये जो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वी आर स्पिरिट सोल्स, तो ये सारा जो कृष्ण भक्ति जो भंडार है आध्यात्मिक, वो हमारे हृदय में ही है, लेकिन अभी वो ढका हुआ है मैल से। भौतिक जीवन में हमने इतने सारे जीवन लिए हैं तो वो सारे वो मैल उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जाप बार बार लगातार करेंगे, और कैसे एकदम गंभीरता से सिंसियरली जब हम करेंगे, इसलिए कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मन भी शांत होता है और इधर उधर भटकता रहता है लेकिन कम भटकता है। तो जब हम गंभीरता से ये श्रवण और कीर्तन करेंगे तो वो धीरे धीरे वो मैल, एक्चुअली वो क्लीनिंग प्रोसेस है। जैसे हम लोग घर क्लीन करने के लिए बहुत सारे चीजें लेके आते हैं और फिर क्लीन करते हैं, उसी तरह से ये हमारा जो अभी चेतना है, ये अपना कॉन्शियसनेस है, वो फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस लाने के लिए ये क्लीनसिंग प्रोसेस है। एकदम इजी प्रोसेस है, इसके लिए आपको मतलब वही बोलते हैं ना, अगर आपको कोई यज्ञ करना है या कोई पूजा करनी है तो कितना सारा आपको अरेंजमेंट करना है और आपको धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास धन नहीं है या मेरे पास सामग्री नहीं है या मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके लिए केवल क्या चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए और समय चाहिए। आपको खाली समय देना है, ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहे हो और कुछ कार्य कर रहे हो, नहीं, एक्सक्लूसिवली अगर आपको जप करना है तो केवल एक ही चीज की जरूरत है, वो है समय। और मंत्र भी ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं आता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक व्यक्ति जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की वो भी इस मंत्र को जाप कर सकता है। और जो पंचतत्व मंत्र, वो मतलब इतना इजी प्रोसेस है, इतना मतलब इससे और इजी अगर आपको ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए इतना इजी प्रोसेस करने से क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, चेतना की शुद्धि होगी
और धीरे 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 हमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, अब मेरा भगवान के संबंध, मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है, और उससे इम्पोर्टेंट कि भगवान कौन है। क्योंकि हमको कभी कभी लगता है कि भगवान कौन है, एक्चुअली में एक ही भगवान है या बहुत सारे भगवान है, और किसकी आराधना करनी चाहिए, और मेरा मतलब ऐसे करने से मेरा क्या फायदा है। तो ये एक छोटे से प्रोसेस विच इज सो सिंपल कलयुग में, सब सोच के जो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो हमारे पिता है, वो इतने दयालु है, उनको पता है कि कलयुग में इन लोगों को अगर इनका उद्धार करना है तो सबसे जो इजी प्रोसेस है वही देंगे तो ही होगा, अदरवाइज ये लोग मतलब, क्योंकि इतना इजी प्रोसेस को भी हमको लगता है कि कितना टफ है, 16 माला करना हमको लगता है कि कितना बड़ा तपस्या है। तो सोचिए भगवान को पता था, मतलब जो इजी प्रोसेस है इसको भी वो लोग तपस्या सोचेंगे, तो और इससे ज्यादा अगर डिफिकल्ट देंगे तो ये करेंगे ही नहीं। और क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पिता हमेशा अपने अपने बच्चों से प्रेम करता है, बच्चे कितने ही नालायक क्यों ना हो, पिता हमेशा उनसे प्रेम करते हैं और उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस दिया है। तो प्रभुपाद वही कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्रवणम और कीर्तनम। तो और हमको ये जो पूरा ये अपना जीवन किस तरह से ढालना है, हमको हमेशा भगवान के बारे में या भगवान को केंद्र में रख के ही अपना पूरा पूरा दिन व्यतीत करना है, और इधर उधर की बातें हमको नहीं करनी, भले ही हम ऑफिस में क्यों ना हो, भले ही हम किसी पड़ोसी से या अपने रिश्तेदारों से मिले, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे इनको तो कृष्णा के बारे में उतना पता नहीं है, ये तो सत्संग में आते नहीं, इनको तो पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य वगैरह, इनको फिलोसफी नहीं पता, इनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में नहीं पता, तो इनके साथ मैं चलो कुछ और बात करता हूँ, तो फिर इससे क्या होगा, इससे हमने थोड़ा बहुत जो प्रगति की वो भी वहीं पे रुक जाती है, और हमको जो और लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताने का जो एक मौका रहता है वो भी हम खो देते हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए तो अपना पूरा जो ये मिशन है प्रभुपाद का मिशन, इट इज प्रीचिंग, प्रचार करने का मिशन है, तो इसलिए हमको हमेशा उस मनस्थिति में रहना चाहिए, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिसको नहीं पता हम उसके साथ कृष्ण भावनामृत की तरह नहीं बिहेव करेंगे या उनको कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, उनको जो इंटरेस्टेड है उसमें बात करेंगे, तो फिर हम भी क्या होगा, हमारे लिए भी ये श्लोका लागू हो जाएगा, अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु ग्रह मेदिना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ग्रह मेदी का एक जो मेदी ये शब्द विक्षेद करते हुए ग्रह और मेदी, मेदी का प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसका अनुवाद क्या दिया है, जो ईर्षालु व्यक्ति होता है उसको ग्रह मेदी कहते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ग्रह मेदी होता है वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने परिवार जनों के बारे में सोचता है, और लोगों को के प्रति वो ईर्षालु होता है, और हम देख सकते हैं ये एक्चुअली फैक्ट है, हर कोई इस भौतिक जगत में जिसको जो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, जो पूरे भौतिकवादी लोग है, वो मतलब केवल अपने परिवार अपने प्रियजनों का भरण पोषण में रहता है, और वो लोग कैसे आगे बढ़े इसी के बारे में, और लोगों के प्रति वो ईर्षा करते रहता है, और यही प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो एक्चुअली टोटली रियलिटी है। हम लोग देखते हैं अपने, इवन हम लोग जब अपने काम में जाते हैं, हर कोई सोचता है कि खुद का प्रमोशन हो, खुद की सैलरी बढ़े, खुद की बॉस के सामने इमेज अच्छा हो, अगर उसका जो कलीग है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो हम ईर्ष्या करते हैं, तो इसके वजह से अपनी जो चेतना है वो हमेशा हमको कृष्ण भावनामृत रखनी चाहिए, नहीं तो हम डिवोटी होते हुए भी हम भी इसी तरह से अपना क्या है बिहेवियर होगा, अगर हम सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो हम जब बाहर ऑफिस में या कहीं और जाते हैं तो हम भी भौतिकवादी की तरह ही अपना कॉन्शियसनेस होता है, हम भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, हम भले ही हम फिलोसफी में बहुत कुछ बात करें कि
हरी इच्छा ये सब भगवान का ही ये रहेगा, या फिर अगर उसको कुछ अच्छा हो रहा है तो शायद भगवान की योजना, ऐसा हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन अंदर से हमको भी ईर्ष्या होती है कि ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, या इसकी इसका ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, या इसका ज्यादा नाम हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सिंसियरली प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, और हम भी औरों की तरह मतलब अपना जब साधना वगैरह होने के बाद जब हम बाहर लोगों से मिलते हैं और लोगों से, तो हम भी प्रजल्प में लग जाते हैं। और एक्चुअली पता नहीं, इसमें इतना आनंद आता है ना, मतलब किसी और के बारे में, अगर आपको किसी और के बारे में कुछ पता चला, कुछ बुरा, मतलब अरे उसने ये किया, पता है आपको उसने वो किया, तो फिर उसमें पता नहीं एक माया देवी का प्रभाव ऐसा है, और हम भी मतलब अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए, तो उसके ऊपर बात करने में बहुत आनंद आता है। और जितना जितना हमको कोई बताते जाता है, पता है उसने ऐसा किया वैसा किया अभी, तो हमको लगता है और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, और हम भी प्रश्न भी पूछते जाते हैं, अरे फिर ऐसा फिर उसने क्या किया, फिर ये क्या वो क्या, तो मतलब घंटे उसमें निकल जाते हैं और आनंद से निकल जाते हैं। और वही जब हम हरि कथा या जप करने बैठते हैं, हमको मतलब नींद आती है, या फिर लगता है कि कब ये कथा खत्म होगी या कब ये माला खत्म होगी, और जैसे खत्म होती है हम बहुत आनंदित होते हैं। हाँ, लेकिन वही जब हम टीवी देखने बैठते हैं, या कोई क्रिकेट के बारे में या कोई और खेल के बारे में बताता है, या इधर उधर की बातें बताता है, तो हमको आनंद आता है। तो इसके ऊपर हमको पता चलता है कि हमारी प्रगति मतलब सही हो रही है या नहीं हो रही है। इसकी वजह से हमको हर क्षण इवेल्युएट करना करते रहना चाहिए कि हम लोग मतलब जैसे अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हम लोग अपश्यताम आत्म तत्वम है, या हम लोग आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर रहे हैं। और जितना हो सके हमको औरों को भी कृष्ण कथा के बारे में बताना चाहिए, और जितना हो सके हमको खुद भी श्रवण और कीर्तन केवल कृष्ण कथा और अपना हरि नाम के ऊपर होना चाहिए। जब भी हमको वक्त मिले, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल और नेट है, तो प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से जो वेदाबेस है, इसमें हर बुक्स है प्रभुपाद का, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स, हर चीज मतलब इतना आसानी से हमको एक्सेस है, मतलब अपने बोलते हैं ना पॉकेट में हम लोग लेके घूमते हैं। तो जब भी हमको समय मिले या तो हमको जप करना चाहिए, और अगर जप करने का सुविधा नहीं है और तो हमको ये मोबाइल खोल के वेदाबेस खोल के कुछ तो इस वेदाबेस से भगवतम या श्रीमद भागवतम या फिर भगवत गीता कुछ तो इसके ऊपर जो प्रभुपाद के दिव्य शब्द है उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है गोलोक से आया है, उसी तरह से हर एक शब्द जो प्रभुपाद ने लिखे है ये साधारण शब्द नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद भी गोलोकवासी है, तो उनके और वो खुद कहते थे कि जो मैंने लिखा है मुझे कृष्ण खुद कहते थे और मैं खुद लिखता और वही मैं लिखता था। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रभुपाद को कहे गए शब्द है, तो ये शब्द हमको जब पढ़ने मिलते हैं तो सोचिए हमारा कितना शुद्धिकरण हो सकता है, और हम किस तरह से ग्रह मेदी के अवस्था से हम गृहस्थ बन सकते हैं। नहीं तो भक्ति करते करते हम भी ज्यादातर ग्रह मेदी की स्थिति में रहते हैं। हाँ, तो हमको ग्रह मेदी ना होते हुए ये जो गृहस्थ है, और प्रभुपाद लिखते गृहस्थ कौन है, गृहस्थ वो है जो कृष्ण को केंद्र बिंदु रखते हुए अपने परिवार अपने स्वजनों अपने समाज में परोपकार करते करते अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं है, वो पर दुखी दुखी है। गृहस्थ जो है वो पर दुख का दुखी है, वो औरों का दुख देख के उनको बहुत ही दुख होता है और सोचते हैं कि इसका उद्धार कैसे करें, इसको जो ये जो प्रभुपाद का जो वाणी है प्रभुपाद की कृपा उनको उन तक कैसे पहुंचाया जाए। और ग्रह मेदी क्या, ईर्ष्यालु, उनको केवल अपने स्वार्थ के प्रति वो अपने स्वार्थ को लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमको ग्रह मेदी ना होते हुए गृहस्थ बनना है, केवल नाम के गृहस्थ नहीं, एक्चुअल गृहस्थ बनना है। और ये जो आत्म तत्व अपश्यताम आत्म तत्व, क्योंकि हम लोग सब जो है वी आर ऑल स्पिरिट सोल, तो हमको उस स्थिति पे आना है।
और काफी दिनों से, 2-3 दिनों से हम लोग गुरु तत्व के ऊपर भी बात कर रहे थे कि मतलब जब हम गुरु से मिले तो हमको किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। ये सब बात चल रही थी। और फिर कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत ही एक अच्छा वाक्य कहा था जो अभी भी मेरे मन में है कि हमको गुरु की सेवा के लिए खुद को बेचना भी बेच देना चाहिए, मतलब इस तरह से हमारा गुरु निष्ठा होनी चाहिए। तो एक्चुअली कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये सारे बातें मतलब अभी तक हमारे अंदर से वो पूर्ण तरह से विश्वास नहीं है कि जो गुरु है उनका महत्व क्या है। उसके वजह से हम ये सब कुछ फिलोसफी हमको मिलते हुए भी, क्योंकि हमारे अंदर अभी तक वो शुद्धता नहीं है और उतनी निष्ठा नहीं है और उतना विश्वास नहीं है, हम लोग फिर भी भौतिक कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं। तुम जस्ट 2 दिन पहले, 2 दिन कल या परसों, परसों राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा था, तो वहां पे एक दो ऐसे इंसिडेंट शिष्यों ने शेयर किए जो मैं बताना चाहता हूँ और कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि किस तरह से वी आर एक्चुअली मतलब गुरु जो है, जो हमको ये प्रभुपाद ने जो सारा फिलोसफी दिया है, और ये यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि अपश्यता मात्व तत्म, क्योंकि अज्ञानता के तरह होने के कारण वो पूरी तरह से निष्ठा न होने के कारण गुरु के ऊपर ना, ये इतना बहुमूल्य कृष्ण भावनामृत का जो उपहार हमें मिला है वो भी हम चीपली ले लेते हैं, इन द सेंस कि वी आर नॉट सीरियस, अभी भी सीरियस नहीं है। इसके वजह से वी आर स्टिल ग्रह ग्रह मेदी या और अपना हमें और कृष्ण के बारे में या हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में छोड़ के बाकी इसमें हमको आनंद आता है। यही आज का श्लोका का डिस्कशन चल रहा है ना, यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को। तो ये तो जो इंसिडेंट मैंने सुना तो इससे मुझे इतना मतलब लगा कि मतलब ये पूरा जो हमको मिला है उपहार, मतलब प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा हमको मिला है, इट इज सो जेन्युइन। ये कुछ काल्पनिक नहीं है या कुछ मन को एक शांत करने के लिए या दुखों दुख से क्या कहते हैं, दुख से एक शांति मिलने के लिए, ऐसा नहीं है। ये हाईएस्ट मतलब ये हमको एक्चुअली इस भवसागर से पार लेके जा सकता है, ऐसा ये प्रोसेस है। तो और गुरु कितने हमारे जीवन में कनेक्टेड है, जब कोई गुरु हमको दीक्षा देते हैं ऐसा नहीं कि हमको कभी कभी लगता है अरे मेरे महाराज के इतने सारे शिष्य है, करोड़ों मतलब करोड़ों नहीं हजारों हजारों शिष्य है, तो पता नहीं गुरु महाराज का और मेरा कनेक्शन सही में है या नहीं। वो मुझे जब देखते हैं उनको पता भी नहीं, उनको बताना पड़ेगा कि गुरु महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, आपने मुझे दीक्षा दी थी। हमको लगता है कि मतलब गुरु को पता भी नहीं मुझे, क्योंकि वो कितने लोगों को दीक्षा देते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को वो पर्सनली जानते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कि एक्चुअली कनेक्शन वगैरह है क्या, मतलब गुरु मेरे बारे में सोचते हैं क्या, मतलब मेरा जो गुरु के साथ कनेक्शन है एक्चुअली मैं कृष्णा के साथ जुड़ा हूँ क्या। ये दो जो स्टोरी बता के मैं खत्म करना चाहता हूँ, जिससे हमको पता चलेगा कि ये पूरा प्रोसेस इज रियली जेन्युइन और हम जो कुछ कर रहे हैं सिंसियरली, हाँ गुरु महाराज को पता है, हाँ इट इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, और गुरु महाराज के द्वारा कृष्ण को भी पता है, और जब गुरु डेली हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके वजह से हमारा जो जीवन है सही में और हम कनेक्टेड है इस परंपरा से, इसके वजह से हमारे जीवन में वो जो चेंजेस हुए हैं ये सारे गुरु की वजह से है। और एंड व्हेन अपना जो गुरु के ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा तभी हम लोग भक्ति में गंभीर बनेंगे। तो प्रभु एक प्रभु है यहाँ पे ब्रह्मचारी अच्युत गोपाल प्रभु, तो वो बता रहे थे वो वृंदावन गए थे और हमेशा वृंदावन जाते रहते हैं। ओके वो हमेशा वृंदावन जाते रहते हैं, तो जैसे सब लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन फिर राधा कुंड श्याम कुंड, तो वो कह रहे थे उसी तरह से वो हमेशा जाते थे। और एक दिन वो ललिता कुंड में चले गए, ललिता कुंड के पास थे, और उन्होंने कहा कि वहां पे ज्यादातर कभी भी भीड़ नहीं होती थी, कभी पूजा नहीं होती थी, या फिर उन्होंने कभी पुजारी को नहीं देखा वहां पे पूजा करते हुए। लेकिन इस बार जब वो गए थे तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक पुजारी थे और काफी सारी भीड़ भी थी, भक्तों की भीड़, और वहां पे पूजा भी हो रही थी, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा। वो बोले और जितने भी बार गए ललिता कुंड कभी भी उन्होंने वहां पे ज्यादा भक्तों को नहीं देखा, लेकिन इस बार उन्होंने देखा भक्त भी थे पुजारी थे पूजा भी कर रहे थे, और वो काफी दूर खड़े थे। वो पूजा सब होने के बाद वो पुजारी ने प्रभु जी को बुलाया
अपने मतलब प्रभु जी काफी दूर खड़े थे और बुलाया उनको और उनको आरती दी, तो प्रभु जी ने आरती लिया और फिर उनको प्रसाद दिया और प्रसाद में वो बोल रहे थे उनको खड़ी साकर, जैसे जानते हैं ना शक्कर का जो गोला होता है खड़ी साकर जिसको हम कहते थे, वो दिया और वो बोले इतना वो बड़ा था, वो बोले अगर छोटा सा होता तो मैं तभी उसको ले लेता, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा था उन्होंने क्या किया उस खड़ी साकर को अपने बैग में डाल दिया। वो ब्रह्मचारी है वो, तो हमेशा एक उनके साथ एक बैग होता है झोला जिसको हम कहते हैं, तो उसमें डाल दिया और वो भूल गए और फिर वो गोवा आ गए। वो सब वृंदावन यात्रा होने के बाद वो गोवा आ गए और जैसे गोवा आए उनको पता चला कि एक भक्त है जिनकी माँ बहुत ही बीमार है और कुछ ही दिनों में वो अपना शरीर छोड़ सकती है, मतलब बहुत ही सीरियस मतलब लास्ट स्टेज में है। तो फिर वो उनको देखने चले गए और जब वो देखने चले गए तो उनको लगा अरे कुछ तो मुझे लाना चाहिए था, क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति या पद्धति ऐसे है जब हम किसी के घर जाते हैं कुछ तो लेके जाते हैं फल फूल या मिठाई कुछ, तो उन्होंने बोला अरे कुछ तो लेके आना चाहिए था। और तभी उनको अचानक याद आया अरे वृंदावन में वो पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया था जो अभी भी पड़ा है बैग में वो खड़ी साकर, तो उन्होंने क्या किया वही निकाल के उन्होंने वो माता जी को दिया और बताया कि आपके माँ को क्या कीजिए आप अभी जब भी आप उनको कुछ पानी या कुछ भी लिक्विड दे रहे हो ये खड़ी साकर जो ये वृंदावन का प्रसाद है ललिता कुंड से मुझे मिला है आप क्या कीजिए उसको मिक्स कीजिए थोड़ा मतलब इसको क्रश करके थोड़ा थोड़ा इस पानी में मिला के उनको आप दीजिए, हाँ तो ये वृंदावन का प्रसाद उनको मिलता रहेगा, तो भगवान की कृपा है। तो वो माता जी ने वही किया अपनी माँ को डेली वो मिक्स करके दे रही थी। ऐसे कुछ 8-9 दिन बीत गए और अचानक एक दिन एकदम सीरियस हुआ और वो मतलब उनका शरीर छोड़ने का ऑलमोस्ट समय उस दिन आ गया। और तब यहाँ के कुछ भक्तों ने महाराज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से रिक्वेस्ट किया कि ये माताजी जो है सिंसियरली उन्होंने 16 राउंड कर रही थी रेगुलेटिव प्रिंसिपल से फॉलो कर रही थी, तो प्लीज आप कृपा करके अभी वो शरीर छोड़ने वाली है क्यों ना आप उनको आपकी कृपा दीजिए मतलब आप उनको दीक्षा दीजिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने सब भक्तों के कहने पे और यहाँ के जो शुभ विलास प्रभु जो है जो मेन जो देखते हैं गोवा का उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ही सिंसियर डिवोटी थी और सब फॉलो करे थे तो प्लीज आप उनका कृपा दीजिए। और सोचिए राधानाथ स्वामी महाराज ने अग्री किया तो बोले अगर सब लोग कह रहे तो ठीक है। और पता है जब फोन में उन्होंने उनको दीक्षा दिया उनका नाम था ललिता देवी ललिता सकी देवी दासी, तो सब लोगों को मतलब सब लोगों को नहीं अच्युत गोपाल प्रभु ने जब ये सुना नाम तो वो आश्चर्यचकित हो गए और इवन उनकी जो बेटी थी वो भी आश्चर्यचकित हो गए। मतलब सोचिए मतलब भगवान किस तरह से योजना बनाते हैं। अच्युत गोपाल प्रभु बता रहे थे कि ललिता कुंड में कभी भी कोई पुजारी नहीं होता था और इस बार पुजारी थे पूजा हुई और उन्होंने उनको बुला के वो प्रसाद दिया वो खड़ी साकर और वो भूल गए अपने बैग में और वहां पहुंचे और उन्होंने वो उसको दिया बेटी को और बोला डेली इसको इनको पानी में वगैरह मिला के पिलाइए। तो सोचिए किस तरह से वो और जब महाराज ने उनको दीक्षा नाम दिया क्या नाम दिया ललिता सखी देवी दासी, तो किस तरह से एक कनेक्शन होता है। हमको लगता है कि गुरु कुछ नहीं जानते या हम लोग ये भक्ति कर रहे पता नहीं सही है गलत है, लेकिन सोचिए मतलब किस तरह से पूरा ये योजना हो रही है। तो हमारे भी जीवन में जो कुछ हो रहा है ऐसा मत सोचिए कि बस कोइंसिडेंस से हम लोग यहाँ आए वहां गए कुछ, बट इट इज ऑल कृष्णा इज प्लानिंग। तो जब वो नाम उन्होंने सुना उन्होंने बोला कि मतलब इतना उनका विश्वास बढ़ गया कि मतलब किस तरह से उन्होंने 9 दिन कंटिन्यूस 9 डेज वो ललिता कुंड से जो मिला हुआ प्रसाद का ग्रहण कर रहे थे और जब गुरु ने उनको दीक्षा दी तो वही नाम उनको मिला। सो दिस इज द कनेक्शन। सो प्लीज जो भी इस परंपरा से जुड़े हैं ऐसा मत सोचिए कि मेरे गुरु महाराज कहाँ है मैं यहाँ हूँ वो मुझे जानते हैं कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ उनको पता है कि नहीं, इसलिए हमको गंभीर होके दिस इज ऑल मतलब कृष्णा का प्लान है। अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे
तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि कृष्णा इज वेरी सीरियस टू टेक अस बैक टू गॉडहेड. अवर गुरु महाराज इज वेरी सीरियस अपना उद्धार करने के लिए. डेली वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और डेली ये प्रार्थना जो है कृष्णा सुन रहा है. और क्योंकि हमारे गुरु की प्रार्थना कृष्णा सुन रहा है, इसलिए डे टू डे हमारे जीवन में कितने सारे चीजें जो कर्म के हिसाब से हमको भुगतनी थी वो कितना कम 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 होके ना के बराबर है. उस दिन माता जी ने कहा था कर्मानि निर्धति किंतु च भक्ति बाजा, मतलब भगवान उसको लात मार के उस कर्म को जीरो कर देते हैं. लेकिन अगर हम इस सारा ये उपहार, ये सौभाग्य का अगर हम कृपा नहीं लेंगे, एडवांटेज नहीं लेंगे, तो हमसे ज्यादा अभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा. हमको इतना सीरियस होना है. और सेकेंड इंसिडेंट जस्ट शेयर करूंगा. एक माता जी थी, तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज हमारे गोवा में आए थे और वो कीर्तन कर रहे थे. कीर्तन करते 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 अचानक वो रुक गए, एक क्षण भर के लिए रुक गए. और उन्होंने अचानक सबसे कहा कि एवरीबडी, सभी लोग बहुत ही इंटेंसली प्रे कीजिए, मतलब बहुत ही गंभीरता से जपिए, जप कीजिए. और महाराज ने अचानक जोर जोर से कीर्तन करना शुरू किया एक कहने के बाद. और तभी जो माता जी ये बता रही थी, उनको अचानक फोन आया और उस फोन पे उनको बताया गया कि आपके बेटे का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी, हाँ, और बहुत ही वो गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है. और वो बेटे के साथ माता जी के पति थे और एक, लेकिन आप डरिए मत, किसी को कुछ भी चोट नहीं लगी है, मतलब सब लोग सुरक्षित है. एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था लेकिन किसी को कुछ भी चोट नहीं लगी है. तो माता जी मतलब रोने लगी तभी, क्योंकि उसी क्षण जो थे महाराज ने क्या बोला कि जो मतलब एक क्षण के लिए वो रुके और उन्होंने सबसे निवेदन किया, प्लीज चैंट इंटेंसली. मतलब तो ये माता जी का ये अनुभव था कि महाराज को पता था कि कुछ तो मतलब महाराज को पता था, तो उन्होंने इन लोगों को बचाने के लिए एक क्षण रुक के सबसे पहले निवेदन किया कि जोर से और गंभीर होके प्लीज जप कीजिए. और फिर जोर जोर से महाराज ने कीर्तन किया और उसी क्षण ये एक्सीडेंट हुआ था. तो माता जी बोलने लगी कि मेरे गुरु महाराज ने ही कि उनकी वजह से ये सब जो बहुत ही गंभीर एक क्या बोलते घटना जो होने वाली थी, मेरे गुरु महाराज की प्रार्थना की वजह से ये सब बच गए. तो इस तरह से ये जो गुरु है हमारे जीवन में हमको बचाते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं. तो हमको बहुत ही सीरियस होके वी हैव टू टेक दिस. तो हमको प्रत्येक क्षण, जैसे यहाँ कहा गया कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, हमको प्रत्येक क्षण केवल कृष्ण के बारे में बात करनी है, कृष्ण का श्रवण करना है, कृष्ण का कीर्तन करना है. और हमारे गुरु ने जो हमको इस परंपरा से जोड़ा है उनका सेवा में हमको भाग लेना है. सो वी आर ऑल अ मिशनरी, हमारा ये मिशनरी एक्टिविटी है. ऐसा मत सोचिए कि मैं जप कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, अपने घर में अच्छी तरह से भक्ति कर रहा हूँ तो हो गया. नहीं, गुरु का उद्देश्य है कि सबके और परोपकार किया जाए. तो हमको भी गुरु का ये सेवा का उत्तरदायित्व लेना है, हमको भी प्रचारक बनना है. हाँ, और जितने सारे ये अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदी है, इनको गृहस्थ बनने के लिए हमको भी अपना जो कुछ योगदान यथाशक्ति हमको देना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय. निताय श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. तो मैं यहाँ रुकता हूँ, समय थोड़ा ज्यादा हुआ. हरे कृष्णा. तो हमको बहुत ही डेली नतमस्तक होकर दंडवत करना है प्रभुपाद गुरु महाराज और पूरे आचार्य को, जिनके वजह से हमारा जीवन इतना शुभ, क्या बोलते, शुभ मंगल हुआ है. हरे कृष्णा, दंडवत. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु. बहुत सुंदर क्लास था. और जो अपने वो खड़ी सखर वाला ललिता सखी, उनको नाम मिला, वो जो बोला वो बहुत हार्ट टचिंग था. हर एक चीज जो बोली अपने क्लास में बहुत सुंदर थी. और आपको कौन सा श्लोक आया? मैंने बहुत से बार ये सबके साथ शेयर किया है, लेकिन आपने जो जैसे बोला कि
गृहस्थ का क्या कर्तव्य रहता है कि अगर हम लोग बाहर जाए तो हमारा स्वभाव दूसरों लोगों के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, उनके साथ उनकी तरह बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम भी हमारा भक्ति भूल जाते हैं। तो आप वैसे ही हो। मैंने हमेशा शेयर किया था कि हम लोग जब एक बार गोवा गए थे और प्रभु जी गोपी मन और प्रभु जी ड्राइविंग कर रहे थे और एक लेडी के कंपाउंड के और रहती थी, उसके बाहर एक कंपाउंड था और उसके कंपाउंड के बाहर भी थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट का था, तो वो थोड़ा सा एक टुकड़ा उसका टूट गया गाड़ी का दख, तो आके जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो प्रभु बोले तुम्हारा तो कुछ नहीं टूटा है कि इतना, लेकिन जैसे सूरत माधव प्रभु उतरे और उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले माता जी गलती हो गई हमसे माफ कीजिए कीजिए। तो ये होता है एक गृहस्थ का, मतलब हर एक लोगों के साथ वैसे बर्ताव करते हैं जैसे भक्त के साथ वैसे ही बात करते हैं। तो सच में प्रभु जी ऐसी है, वो चाहे किधर भी हो सबके साथ एक जैसे बर्ताव करते हैं। और कल ग्रह में भी लोगों का कैसे सोच रहती है, तो कल ऐसे हो गया, मैंने गोपी मन और प्रभु जी को कॉल किया, वो कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे किसी को, उन्होंने सिर्फ कॉल उठाया और मैं सुन रही थी, तो सबको समझा रहे थे ये दो बिल्डिंग हो गया ये हो गया। तो बोले फिर अभी फिर मैं कल नहीं रहूंगा ना, मैंने बताया था ना मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो सामने वाला जो व्यक्ति था वो बोला अच्छा तू, मुझे लग रहा है अभी तो तू जरूर सन्यासी लेगा। मतलब उन लोगों की सोच कैसी रहती है, अगर हम लोग बार बार धाम भी जा रहे हैं तो हाँ ये तो पूरा सन्यास लेगा इधर से जाएगा ऐसे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इससे याद आया कि आप सब लोगों को गोवा आना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत बढ़िया। और वो आपने दो एग्जांपल जो दिए कुंजेश्वरी माता जी ने बताया, वो दोनों एग्जांपल सीरियसली हार्ट टचिंग थे। मतलब ललिता देवी दासी का और वो जो हम लोग ने अभी वो जो एक्सीडेंट के बारे में आपने जो बताया सुपर था। प्रभु जी एक चीज आपने जो बोला था कि हम लोग प्रजल्पा में अटक जाते हैं जिसकी वजह से हमारी मतलब ईर्ष्या भावना हमारी बढ़ती रहती है वो प्रजल्पा की वजह से, उसमें एक अमरेंद्र प्रभु जी का मैंने एक लेक्चर सुना था, तभी उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो अनर्थ है 6 अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसमें से जो मत्सर है जिसकी वजह से हम लोग नीचे आ गए, तो मत्सर एक ही है जो हम लोग भगवान की भावना में भगवान के प्रेम में भक्ति में नहीं यूज कर सकते। बाकी काम क्रोध लोभ मोह मद ये सभी जो पांच जो है पांचों जो अनर्थ है वो हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन अकेला मत्सर जो है वो हम लोग लगा नहीं सकते। तो मत्सर इतना डेंजरस है, तो आपने जो बोला कि वो सही है, मतलब वो ईर्ष्या भावना हमारे मन में आज भी रहती है, सभी चीज में रहती है। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत आपने अच्छा ये दिया था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु, आपने जो कहा वो सही कहा। आउट ऑफ ऑल द अनर्थ एनवी जो है हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब भगवान की सेवा में। राइट प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। और ये श्लोका भी काफी मतलब हम हमेशा कोट करते रहते हैं प्रभु, भक्तों के मुखारविंद से श्लोक सुनते हैं हम लोग, काफी फेमस श्लोका है और आपको ये सही मतलब श्लोका मिला हुआ है एंड वेरी नाइसली आपने प्रभु इसको बहुत अच्छे से समझाया प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इसको ये किया प्रभु। तो थैंक यू सो मच सूरत माधव प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। थैंक यू सर्वदेव गिरिधर प्रभु। थैंक यू ऑल गुरु प्रभुपाद गुरु महाराज। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, अब जो आपका क्लास बहुत वंडरफुल था, अच्छा था प्रभु जी, और वो जो एग्जांपल्स है ना बहुत सुंदर था, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें प्रजल्प में भाग नहीं लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, हम लोग को ये करना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। और ये श्लोक जैसे कहते हैं कि जो प्रभु जी मतलब अपना आचरण करता है, भगवान उनसे ही अपनी जो शिक्षा है वो प्रदान कराते हैं। तो प्रभु जी ये श्लोक जैसे कल मैं देख रहा था, तो मुझे जब ये आपका नाम आया तो मुझे लगा कि देखिए भगवान कैसे एक अपने शुद्ध भक्त से जो अपने आचरण में भी कर रहा है उनसे ही जो श्लोक है ये परवर समझा रहे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और आपने जो इसमें गुरु महाराज के बारे में और अपने अपने जीवन में हमें कैसे यदि कोई हम भौतिक लोगों से भी मिलते हैं तो हमें अगर उनको कृष्ण के विषय में रस नहीं है तो हमें उनके हिसाब से हमें नहीं चलना है, हमें हमारा जो है वो हमें पकड़ के रखना है। ये आपने बहुत सुंदर समझाया। और अंत में जैसे आपने ये जो कथाएं बताई ये हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। ये एक्चुअली मेरे शुद्धिकरण के लिए शायद मुझे मिला रहेगा श्लोक कि मैं इस तरह से बिहेव करूं, इस तरह से मैं आचरण करूं प्रभु। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये पॉसिबल है। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।